अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मुंतज़िम अल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब मेरे भाई खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुमान में रखे। तो आज मैं मौजूद हूँ मवेशी मंडी मल्लू मोड़ ज़िला जंग में, आज आपकी खिदमत में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी दोस्तों देसी गाय जो है उनकी वीडियो लेके हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। आज मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू करेंगे और आपको एंटरटेन भी करेंगे और आपको जानवरों की डिटेल भी देंगे कि देसी जानवरों का रेट क्या चल रहा है। तो दोस्तों आए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अस्सलाम वालेकुम। ए अपने कितने दिया गाय देनिया ने यार, वीडियो बना रही हैं ताकि लोगों को दिखा सकिए कि देसी माल दे रेट है ठीक है। की अपना रेट इन्हों का लाया? एक दस दस सोन वाली ने ठीक है। मुँह चुकी ने मुँह चौकिया ने चार दान ने तो फाइनल एक दस दस ही है। इस तू प्यार मोहब्बत हो जाएगा ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी, एक गां का अपना की रेट लाया? एक भी फाइनल किन्ने दी देनी है ठीक हो गया। सही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। ए अपने को लगा की अपना इसका रेट लाया यार? जैस जैस रेट दस ना, आज तो मंडी भी वैसे डाउन जा रही है। एक पैंती मैं लगता तू आज सेल करके कोई नहीं जानी जनाब। हाँ जी रेट ही मंगता रही फिर। तो दोस्तों आप माशाल्लाह चेक कर सकते हैं, ये देसी माल है और देसी माल का एरिया दोस्तों ये किसी व्यापारी के पास नहीं है, ये जो लोग घर से लाते हैं जानवर सेल करने के लिए। दोस्तों आज मैंने कहा चलो बड़े जानवर की वीडियो तो बनाते हैं और दिखाते हैं दोस्तों और भाइयों को, और दोस्तों हर बंदे की गुंजाइश नहीं होती है और कैपेसिटी नहीं होती कि बड़ी गाय जो है वो ख़रीद सके। तो दोस्तों आज देसी माल जो है वो आपकी खिदमत में वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दोस्तों ये देसी गाय का एरिया आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह दोस्तों रीज़नेबल रेट हैं। अगर दोस्तों कोई भाई ख़रीदना चाहे दोस्त ख़रीदना चाहे तो दोस्तों आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर तो आप लोगों के पास है। और दोस्तों मज़ीद मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा, आप मुझसे रब्ता करके जो है मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी वीर जी अपने को लगा की रेट रूट लाया? डेढ़ लाख। कितू आए जे थाने मोची वाले तू यानी कि जांग दे तुसी? सही है। ते मुँह चुकी है? मुँह चुचौकी है। सूण वाली है मेरे ख्याल, किन्ने दिन कट दी है? हफ्ता कट दिया। नस्ल देसी है ना? ठीक है देसी क्रास। सही। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह रीज़नेबल प्राइस है, और दोस्तों मज़ीद जो है रेट वो कम व बेश हो सकता है, ये कोई फिक्स रेट नहीं है। तो दोस्तों माशाल्लाह ये प्योर साहिवाल गाय है, माशाल्लाह देख सकते हैं मोटी ताज़ी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चाचा जी अपना कितना डिमांड है? 1,65,000। मज़ीद प्यार मोहब्बत हो जाएगी अगर? सही है। मुँह चुकी है? चौकिया। सेकेंड टाइम हमारा दूसरे सूबे है? पहले सूबे है। सूनी च किन्ने दिन लेंगे? 14-15 दिन कटती है। सही है। तो दोस्तों माशाल्लाह ये साहिवाल नस्ल की प्योर साहिवाल मोटी ताज़ी है, माशाल्लाह वज़न आप चेक कर सकते हैं, मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 4-5 माह इस गाय का वज़न है। और दोस्तों फर्स्ट टाइमर है और रीज़नेबल रेट है। और दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा और आपको जो है कहूँगा कि जनाब अगर आपने देसी गाय ख़रीदनी है या देसी माल ख़रीदना है तो आप माशाल्लाह इधर मवेशी मंडी मल्लू मोड़ आएँ, माशाल्लाह बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अच्छा गाँ की डिमांड कर रहे जी? डिमांड की है इस गाँ की? गाँ की डिमांड की? रेट की मांग रहे हो? एक सत्तर। की गल इस तरह की गाय के पिछे रेट घट दसिया उन्होंने इतने, इसकी खासियत की है ज्यादा क्यों रेट मांगे? वो तो फर्स्ट टाइमर का रेट उत्थे मैं पूछे है।
कोई जैस जैस दास दे बाबा जी। तो दोस्तों ये आपने बाबा जी का इंटरव्यू सुन लिया है, माशाल्लाह इन्होंने जो रेट है ना बहुत ज़्यादा बता दिया, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो माशाल्लाह रीज़नेबल रेट है, माशाल्लाह देसी माल का एरिया है। तो दोस्तों ये गाय भी आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह साहिवाल नस्ल की गाय है और माशाल्लाह खूबसूरत है। और दोस्तों नीचे इसके माशाल्लाह बछड़ी है। तो की अपना भाई डिमांड की कर रहे जी, इसने 140 डिमांड कर रहे जी। सही है, तो फाइनल प्यार मोहब्बत हो जाएगी मजीद। अच्छा तुसी घरू लाए के आए जे, जो अपना काम है का जे कारोबार व्यापारी जे तुसी। सही है, कितू आए जे? फैसलाबाद। सही हो गया। तो दोस्तों माशाल्लाह ये व्यापारी के पास है, तो मजीद प्यार मोहब्बत हो जाए। दोस्तों रीज़नेबल प्राइसेस हैं, आजकल आपको पता है महंगाई का ज़माना है, आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है, तब्दीली सरकार ने बहुत ज़्यादा तब्दीली कर दी है। तो बाकी मेरे हिसाब से माशाल्लाह रीज़नेबल प्राइसेस हैं। और दोस्तों माशाल्लाह आपको मजीद गाय दिखाऊंगा और मजीद गायें दिखाऊंगा आपको, और इंटरव्यू भी करेंगे और माशाल्लाह मज़े का इंटरव्यू करेंगे, और दोस्तों लोगों के तासरात भी चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाची? ठीक हो? ए अपने को बच्ची है। अच्छा तो की डिमांड कर रहे जी, फाइनल कितने दी देनी है चाची? तो मैं पता है मजीद तब्दीली होनी है अजे। सही हो गया, तब्दीली हो नहीं। वैसे मेरे आज मैं फोकस इस करके कर रही हूँ कि जेड़ा देसी माल है ना, उन्होंने वीडियो इस करके मैं बना रही हूँ। वो तो मैं पता, मैं देख ली है। तो अपने की डिमांड की है? 155। ठीक है, फर्स्ट टाइम आर मेरे ख्याल है, फर्स्ट टाइम आर है ना थल्ले बाबा का। तो दोस्तों माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं, और नस्ल वाली गाय माशाल्लाह ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन क्रॉस की गाय है, देसी माल में खड़ी है। तो मेरे ख्याल में बहुत रीज़नेबल दोस्तों रेट है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी चाचू जी, की हाल है? ठीक हो? खैर खरीद? मेरे ख्याल परेशान खड़े जी आज। अच्छा दो सवानियां ने। सही है, नहीं थोड़ी जी इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए है। सही है। साहिवाल का की रेट है अपना? 135। सही हो गया। तो माशाल्लाह कितू आए जी? दरबार बाहू सुल्तान, माशाल्लाह बहुत प्यारी सरजमीन। तो दोस्तों माशाल्लाह मजीद चेक करेंगे हम, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जानवर इधर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, इसका की रेट है? ऐसे की रेट है, रेट की है की अपना डिमांड की है? 155। सही हो गया। ते एस आले दी 135। तो माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस है। आप ऐसे ही जनाब बड़ी गाय को पीछे जनाब भागते हैं, हालांकि इनका दूध जो है तकरीबन उनके बराबर ही होता है। अगर आप अच्छी खुराक डालते हैं तो दोस्तों मेरे ख्याल में जो देसी गाय है ना, वो दूध की जो मिल्किंग कैपेसिटी है वो पूरी कर जाती है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि आप माशाल्लाह देसी माल जो है उसको मेरे ख्याल में प्रायोरिटी जो है वो देनी चाहिए। और दोस्तों मज़ीद चेक करेंगे माशाल्लाह किस तरह के जानवर इधर आए हैं। माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह खूबसूरत साहिवाल दोस्तों, प्योर साहिवाल, और देसी जानवर जो है दोस्तों इधर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। की गां दी डिमांड की है? 140। सही है, कितों आए जी? मियाँ चन्नू तो आए जी। तो अगर किसी ने लैनी हो तो मज़ीद प्यार मोहब्बत हो जाएगा। अच्छा कि मंडी अपना किस दिन डोन होती है, कितना दिन चप होती है, कोई अंदाजा है व्यापारी जी? कितना दिन चप होती है, रेट अप होते हैं, कितना दिन डोन होते हैं? पिछले दिन चंगा सी, यानी कि जो महीने का आखिरी हफ्ता होता रेट डोन होते हैं। साफ जहर गल, जो तनखादार लोग होते हैं वह पहले हफ्ते ज्यादा आते हैं, रेट अप होता। सही हो गया। दोस्तों माशाल्लाह आप लोगों को एक टिप भी दे दी है कि महीने के फर्स्ट में जो है, फर्स्ट वीक में जो है रेट आप होते हैं,
और महीने के लास्ट वीक में रेट जो है वो डाउन होते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर इधर मौजूद हैं। ये दोस्तों देसी माल का एरिया, लेकिन दोस्तों देसी माल में कुछ जो ये माशाल्लाह इम्पोर्टेड जानवर जो है वो भी नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, ये देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, ये नस्ल केड़ी है? वलैती। मैं पहले देख ली सी, मैं आखिया देसी तो नहीं है। तो की अपने डिमांड की कर रहे हो? एक पांच मांग रहे हो की अपना सुकी है? दूध कितना दें दी? सही है। तो दोस्तों माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं वलैती नस्ल की है, लेकिन अगर किसी बड़े व्यापारी के पास होती तो उसने तो तकरीबन कोई 2-3 लाख डिमांड करनी थी। अगर दोस्तों अगर किसी दोस्त या भाई को ये गाय पसंद है खरीदना चाहते, दोस्तों आपको नंबर अभी बता देते हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर दस देना जी, नंबर कोई नहीं है, चल ठीक है दोस्तों, आप मेरा नंबर आपके लोगों के पास है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह देसी माल का एरिया है और माशाल्लाह बहुत ही रीज़नेबल रेट है। और दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप माशाल्लाह मवेशी मंडी मल्लू मोड़ एक दफ़ा ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, और माशाल्लाह रीज़नेबल रेट हैं, आप यहाँ से जानवर लेके जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो का करते हैं एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो देसी माल की जो वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने भाई मुंतज़िम अल हसन को इजाज़त दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने भाई मुंतज़िम अल हसन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।